सब क्या है? हेलो, तो कैसे हो आप सभी लोग? आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे खोखला क्लासेस पे, ठीक है। और आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो आप निकालो अपनी एनसीईआरटी, अपने एनसीईआरटी में उसको पढ़ो, रीड करना स्टार्ट करो। इतना मैं अपनी क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है। तो निकालो भाई, देखो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन ना, हम रीड करते हैं। इफ द पॉलीनोमियल इतना, एक पॉलीनोमियल है ठीक है, इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलीनोमियल इतना, मतलब इस पॉलीनोमियल को एक इस पॉलीनोमियल से क्या किया गया, डिवाइड करे किया गया। द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी एक्स प्लस ए एंड फाइंड के और ए। तो अगर उसको इससे डिवाइड किया है, अगर उसको इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा, एक्स प्लस ए। तो उसमें से हमें निकालना है के और हमारा ए क्या होगा, है ना। मतलब के रिमाइंडर आ रहा है, मतलब के रिमाइंडर आ रहा है। देखो भाई इसमें क्या करेगा ना, देखो उसने बोला है हमारा रिमाइंडर एक्स प्लस ए, क्या है एक्स प्लस ए। पर हम इस क्वेश्चन में उस बात का यकीन नहीं कर रहे, मतलब उसकी बात का यकीन नहीं करेंगे क्वेश्चन वाले की, मतलब एनसीईआरटी वालों का, जो एनसीईआरटी वाले हैं उसकी बात का यकीन नहीं करना है। तो हम खुद निकाल के देखते हैं कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है। फिर जो भी रिमाइंडर आएगा, फिर हम क्या करना, हमें सिंपल क्या करना, जो रिमाइंडर आएगा उसको इस रिमाइंडर से क्या करना है, कंपेयर, क्या करना है कंपेयर, ठीक है। मतलब देखेंगे ना इसके बराबर है क्या नहीं, कंपेयर करके देखेंगे, वहां से हमारी के और ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना इसमें अपने को इस बात की, इसका यकीन नहीं करना है एनसीईआरटी वाले का, क्योंकि ये बोल रहा है इसके से डॉट रिमाइंडर आएगा। हम तो खुद करके देखेंगे फिर देखते हैं क्या रिमाइंडर आ रहा है, उस रिमाइंडर को उससे क्या करेंगे कंपेयर, क्या करेंगे कंपेयर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको इससे क्या करेंगे, डिवाइड, ठीक है। तो ये है हमारा एक्स फोर माइनस सिक्स एक्स क्यूब प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 10, ठीक है। हम डिवाइड कर रहे हैं इससे एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस के। देखो अगर आपको डिवाइड करना आता है तो बढ़िया बात है, अगर नहीं आता तो हम सिखाई देंगे। पर इसमें क्या होगा ना, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी कर दूं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप जाओ हमारा जो मैंने एग्जाम्पल नंबर 6 और 8 और 9 कराया है और 7 वो देखो, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल में है ही डिवाइड, है ना। मैंने वहां बिल्कुल बेसिक से डिवाइड आपको सिखाया है, अगर किसी को डिवाइड सीखना है तो वहां जाके देख सकता है, वरना कोशिश तो हम यहाँ भी कर रहे सिखाने ही। पर क्या है ना, ये क्वेश्चन ही अलग लेवल का है, ना डिवाइड है जो वो नेक्स्ट लेवल का है भाई, ठीक है। तो आपको समझ आए या ना, आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। पहले आप जाके वो चेक करो, फिर भी अगर आपको दिल नहीं कर रहा देखने का तो हम यहाँ कोशिश तो ये कर रहे हैं आपको समझ आ जाए, ठीक है, क्योंकि हाई लेवल का है, ठीक है। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले क्या काम करना होता है हमें, इसकी पहले टर्म को इसकी पहले टर्म से क्या करते हैं, डिवाइड, क्या करते हैं डिवाइड, ठीक है। तो इसकी पहले टर्म कौन है, एक्स की पावर 4 मतलब एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स की पावर 4 और एक्स स्क्वायर ना, डिवाइड करते हैं। क्या है आंसर इनका, बोलो, डिवाइड है बेस सेम है, पावर माइनस 4 माइनस 2 तो एक्स की पावर आएगी 2। अब कुछ नहीं करना, जो आया है उसको यहां लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन की जगह। अब जो ये है इस पूरे से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, बोलो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो देखो ये है हमारा एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस के, ठीक है। इसको हम कर रहे हैं डिवाइड करके, आंसर आया ना, इससे डिवाइड हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी, ठीक है। तो करो भी मल्टीप्लाई, बेस सेम पावर है 2 प्लस 2 4, एक्स की पावर क्या हो गई 4 माइनस, ये क्या हो जाएगा 2 एक्स क्यूब, क्या हो जाएगा 2 एक्स क्यूब हो जाएगा ना, यहाँ 1 है 1 मन क्या है, मतलब क्या है यहाँ 1 1 प्लस 2 3, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस 2 सॉरी के एक्स स्क्वायर। अच्छा भैया के क्या है, घबराने की जरूरत नहीं, के क्या हमारा कॉन्स्टेंट, क्या है कॉन्स्टेंट, के क्या है कॉन्स्टेंट, तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको, कि यहाँ सिंपल क्या है हमारा कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट हम आगे लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं जैसे ये लिखा है 2x³, तो 2 कॉन्स्टेंट हुआ गया, तो के कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमें निकालनी है, पता नहीं है तो उसको आगे लिखते हैं, ठीक है, पीछे मत ले लेना उसको, ठीक है। कभी भी कॉन्स्टेंट को पीछे लिखते, हमेशा वेरिएबल से आगे लिखते। अब जो आया है यहाँ लिख देंगे कैसे, सेम के नीचे सेम, मतलब एक्स की पावर 4 के नीचे एक्स की पावर 4 और एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर साइन चेंज करेंगे, तो देखो ये एक्स की पावर 4 माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब साइन चेंज, यहाँ क्या मत जाएंगे उसे बताओ प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस तो प्लस, यहाँ प्लस तो माइनस, तो देखो भाई माइनस और यहाँ क्या मत जाएंगे उसे बताओ प्लस, प्लस माइनस माइनस सेम है तो कट गया, और ये क्या बन जाएगा हमारे, बन जाएगा माइनस
फोर एक्स क्यूब है ना, प्लस माइनस, माइनस सिक्स में से टू गया फोर और सिक्स बड़ा है तो माइनस है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या आएगा देखो, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इसको हम के प्लस 16 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब भैया ये कैसे लिख दिया आपने, क्या कर दिया 16 को के से माइनस कैसे करता है, इधर देखो बेटा, इधर देखो, उसका मतलब है क्या, इसका मतलब ये है कि प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ये तो लिखा है अभी, देखो यार माइनस ये तो है। हाँ ये, अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल कर दिया एक्स स्क्वायर कॉमन, क्या लिया कॉमन, तो लो भाई तो ये बताया 16 प्लस सॉरी माइनस है ना यहाँ माइनस के, और यहाँ लिख दिया कॉमन। हाँ कॉमन हम आगे लिखते हैं तो इसकी किसी पीछे लिखे, क्यों, क्योंकि हमेशा कॉन्स्टेंट हम आगे लिखते हैं वेरिएबल पीछे, अभी बताया था ना मैंने कॉन्स्टेंट आगे वेरिएबल पीछे, तो हमारा 16 माइनस के एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई मैं 16 को के से माइनस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को के की वैल्यू नहीं पता है, अगर पता होती तो क्या दिक्कत थी, ठीक है, वही तो निकालनी है, तो ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ आएगा प्लस, क्योंकि यहाँ तो प्लस था ना, लो जी तो ये होगा प्लस 16 माइनस के एक्स स्क्वायर, समझ आ गया, आ गया। अब देखो, अब ये तो चलो उसको उतार, ये आप उतारना चाहते हैं तो उतार लो, आपकी मर्जी है, उतार ही लेते हैं, तो क्या आएगा माइनस 25 एक्स प्लस 10, ठीक है, तो उसको रब कर देते हैं, हमारा गमछा किधर है, ये रहा है, ये रहा, चलो तो रब कर देते हैं ना, ठीक है, आपको समझ आ गया, आ गया, ये तो कैलकुलेशन है सिंपल। अब वही काम रिपीट करना जो पहले किया है ना, पहले टर्म को पहले टर्म से डिवाइड, जॉन्स रह गए, हाँ देखो उसको पूरे से क्या करो मल्टीप्लाई, तो करते हैं, ये हमारा माइनस फोर एक्स क्यूब, माइनस फोर एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से क्या कर रहे हैं हम, डिवाइड, क्या कर रहे हैं डिवाइड, तो हमारा क्या आएगा बेस इन पावर माइनस थ्री माइनस टू वन, तो आएगा माइनस फोर एक्स की पावर वन, और एक्स की पावर वन, अबे दुनिया को पता है तो लिखती नहीं, क्योंकि वन तो दुनिया को पता है भाई, वन तो दुनिया लिखती नहीं, वन तो सबका पता होता है ना, तो आंसर आया माइनस फोर एक्स। अब माइनस फोर एक्स को इस सूत्र से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये देखो माइनस फोर एक्स एक्स स्क्वायर क्या है माइनस टू एक्स प्लस के, यही तो है ना, हाँ तो अगर मल्टीप्लाई आ जाएगा माइनस फोर एक्स, टू और यहाँ क्या है वन, टू यहाँ क्या है वन, तो ये जगह प्लस, तो ये जगह थ्री, समझ गए x की पावर थ्री, तो माइनस माइनस प्लस फोर टू जा एट एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस फोर मल्टीप्लाई के कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट में कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई होगा, फोर मल्टीप्लाई क्या आएगा फोर के, क्या आएगा फोर के, और x ऐसे का ऐसे, समझ गए, तो ये आया है सेम गेंद से सेम लिखेंगे और साइन चेंज कर देंगे, ठीक है, इंक कम हो गई है तो आपको समझ आया ना, कुछ नहीं करना है, ये बोल रहा है देखो दोबारा से इसके डिवाइड कर रिमाइंडर आया है, तो के और ए की वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालेंगे हम उसकी बात देखेंगे, करेंगे हम खुद निकाल के देखते हैं रिमाइंडर क्या आ रहा है, जो भी आएगा उसको ना इस वाले रिमाइंडर से क्या करेगी कंपेयर, क्या करेगी कंपेयर, चिंता मत करो मैं अपने आप सिखा दूंगा कंपेयर कैसे करते हैं, तो हम पहले डिवाइड करके देख रहे हैं, तो डिवाइड कैसे करते हैं भाई, पहले टर्म को पहले टर्म से डिवाइड करा आंसर आए, इसको पूरे से मल्टीप्लाई करा फिर आया आंसर, लिख दिया साइन चेंज काट दिया, फिर वही काम करे दोबारा पहले टर्म को पहले टर्म से क्या करा डिवाइड, आंसर ये आया यहाँ लिखा, इस पूरे से क्या करा मल्टीप्लाई, ये आ गया मल्टीप्लाई करके, अब इसको यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, तो इनको तो मैंने डाल दिया, चलो एक मिनट, लो भाई ठीक है, तो लिखते हैं, ये आएगा हमारा, ये तो पता है माइनस फोर एक्स क्यूब, ठीक है, और ये आएगा प्लस एट एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर आएगा ना, और एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब, समझ रहे हो ना, सेम के सेम, और वो एक्स एक्स कहाँ यहाँ, तो इसके नीचे आएगा माइनस फोर के एक्स, है ना, सेम के नीचे सेम, एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब, एक्स क्यूब के नीचे एक्स स्क्वायर, एक्स के नीचे एक्स, अब क्या करें हम साइन चेंज, क्या करें साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ठीक है ना, माइनस से प्लस, तो अब देखो भाई जो कट रहा है उसको काट दो, ये प्लस माइनस माइनस सेम है तो कट गया, इसको देखो इसको करते हैं माइनस, इधर देखो अगर इसको कैसे करेगी, तो अंदर खोल दू, अंदर अगर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा ना 16 एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, और क्या है माइनस का 8 एक्स स्क्वायर, यही तो है, समझ नहीं आया, अरे यार एक्स को मैंने अंदर ही तो मल्टीप्लाई कराया, देखो अंदर, अबे हमने ले लिया था उसको एक्स से, एक्स 16 से एक्स ले लिया था ना एक्स स्क्वायर, दे दोबारा दे दिया, फिर से एक्स स्क्वायर बन जाएगा, के एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस 8 एक्स स्क्वायर तो है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का 16 एक्स स्क्वायर और माइनस का 8 एक्स स्क्वायर,
प्लस का 8x2 और ये माइनस के x2, ठीक है। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, x2 क्या ले लेंगे, कॉमन, क्या ले लेंगे, कॉमन, तो ये दोबारा बन जाएगा प्लस 8 माइनस के का x2, समझ गए, समझ गए ना ये बात, समझ गए, तो हम यहां लिख देते हैं प्लस 8 माइनस के का x2, मतलब कॉमन में, ठीक है। इसको देखो भाई, अच्छा तुम्हें बताओ माइनस 25 और प्लस 4 ये तो है, ये देखो, अच्छा ये लिख लेना आप, ठीक है, ये लिख लेना, मैं ये तो ये होगा, और मैं अब ये कर रहा हूँ ना, ये वाला कर रहे हैं, ये कैसे होगा, ये लिखा है माइनस 25x और ये लिखा है प्लस 4kx। देखो ये प्लस माइनस तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि भाई k की वैल्यू पता नहीं है, तो x कॉमन आ रहा है ना, x कॉमन आ रहा है, तो x हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बनेगा, ये बनेगा बाहर तो प्लस है ना, बाहर तो प्लस ही लेगी, क्योंकि अगर बाहर माइनस ले लिया ब्रैकेट के तो वो साइन चेंज कर ले तो गड़बड़ हो जाएगी, तो हमें बाहर हमेशा ब्रैकेट के प्लस ही लेना है, तो यह माइनस 25 प्लस 4k और बाहर बचेगा x, x कॉमन ले लिया, x ले लिया, अरे 4k तो बच गई, तो ये आ चुका है, समझ गए, समझ गए, उसको मान लेते हैं, ये आ गया प्लस माइनस 25 माइनस क्या है हमारे पास, प्लस, सॉरी क्या है, प्लस 4k x, समझ गए क्या, अरे बोलो, समझ गए, ठीक है। अब हम 10 तो एज इट इज, 10 तो एज इट इज, ठीक है, तो आप इस हिसाब से नोट कर ले, नोट करते रहना, ये इंपॉर्टेंट है ना, पता होना चाहिए अभी आया कैसे है, ठीक है, ये आगे आप फिर वही काम करना है, रिपीट, पहले टर्म को पहले टर्म से क्या करेंगे, डिवाइड, फिर जो आंसर आएगा उसको यहां लिखेंगे, उससे पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मतलब एक्स क्यूब इस पहले टर्म, क्या है हमारे पास, पहले टर्म बोलो क्या है, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर बाय में क्या है, इसकी पहले टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, क्या है, एक्स स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा, अरे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या कट गया, तो आंसर क्या है हमारे पास, 8 माइनस के, क्या है आंसर, 8 माइनस के, देखो बेटा, हाँ 8 माइनस के तो आएगा ही, ठीक है, आंसर तुम्हारा गलत नहीं है, पर ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ऐसे कैंसिल नहीं होता, होता क्या है इसमें, देखो मैं बोलता हूँ ना, डिवाइड का रूल क्या है हमारा, बेस सेम पावर माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 8 माइनस के एक्स की पावर 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0, और मैं अपने हर लेक्चर हर वीडियो में बोलता हूँ, हमारा ब्रह्मास्त्र क्या होता है, ब्रह्मास्त्र होता है हमारे पास एनीथिंग की पावर 0 इक्वल्स टू 1, अगर इस संसार में किसी की पावर 0 है तो क्या बन जाएगा, 1, तो इसका मतलब एक्स की पावर 0 है तो वो भी क्या बन जाएगा, 1, तो ये बन गया 1, बोलो बन गया 1, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, सेम ही तो आएगा ये, हां तो 1 बन गया, वन बन गया, तो देखो वन बन गया, अब उनको मल्टीप्लाई कर देता आएगा 8 माइनस के, और वैसे भी हमारे ये आ गए, ठीक है, वैसे भी आ था और वैसे भी ये आया, ठीक है, तो पता होना चाहिए वो एक्स स्क्वायर कैंसिल कैसे होता है, कैंसिल नहीं होता, वो होता क्या, वो 0 बन जाएगा, फिर वो 1 बन जाता है रियलिटी में, ठीक है, और 1 तो हम लिखो या लिखो बात बराबर है, तो ऐसे आता है वो, ठीक है, तो अब आप ये भी नोट कर सकते हो, तो आंसर क्या है हमारे पास, 8 माइनस के, क्या आया, 8 माइनस के, ठीक है, तो आंसर आया हमारे पास प्लस 8 माइनस के, ब्रैकेट में से लिख रहे कि भाई ये अलग टर्म है, ये अलग है, ये अलग है, इसको दिखाने के लिए भाई अलग अलग टर्म है, ठीक है, हाँ ठीक है, अब जो आंसर आया है उसको इससे क्या करेंगे, पूरे से मल्टीप्लाई, क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो देखो भाई मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं आपको, ये हमारे पास है 8 प्लस के, सॉरी ये माइनस है ना, माइनस है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से, देखो भाई मल्टीप्लाई करते हैं कैसे करेंगे, 8 को पहले पूरे से करेंगे और माइनस के को पूरे से करेंगे, तो देखो 8 को अगर इससे करूं x से क्या करूं तो क्या बन जाएगा, ये इधर होगा 8 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, ठीक है, 8 को पूरे से और माइनस के को पूरे से कर रहे हैं, तो करो अंदर मल्टीप्लाई, जगह 8x स्क्वायर इस जगह माइनस 6 सॉरी 4 टू जा सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं अभी 8 टू जा 16x और जगह प्लस 8k क्योंकि 8 को k से मल्टीप्लाई करते 8 क्या आएगा, तो आएगा माइनस k x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई x 2 सॉरी माइनस माइनस प्लस और 2 मल्टीप्लाई k 2k x एज इट इज माइनस प्लस माइनस k मल्टीप्लाई k क्या हो जाएगा k स्क्वायर क्या हो जाएगा k स्क्वायर तो स्क्वायर स्क्वायर वाले x स्क्वायर है जो आपको उनको साथ में लिख लो और जो x x है उनको साथ में लिख लो तो देखो x स्क्वायर और ये रहा x स्क्वायर ये रहा x स्क्वायर तो मैं यहां से 8 माइनस k का होल स्क्वायर लिख सकता हूं अरे बोलो ये 8 ऐसे कैसे और ये k ऐसे कैसे बीच में माइनस था यहां स्क्वायर x स्क्वायर तो मैंने x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये बन गया ना बन गया अब x वाला ये रहा और ये रहा x वाला तो यहां से मैं प्लस मैंने बोला ना प्लस बाहर ब्रैकेट रखना है अंदर रखना है माइनस
पर बाहर जो ब्रैकेट के बाहर हमेशा प्लस ही लेना है, माइनस नहीं लेना अपने को, क्योंकि उससे क्या होगा दिक्कत आएगी। तुम ले सकते हो, गलती नहीं है तुम्हारी, है ना, गलती नहीं आएगी, पर क्या है ना भाई, साइन चेंज होगा तो दिक्कत आएगी तुम्हें बहुत फिर, ठीक है। तो प्लस ही रखो, और ये हमारे पास है 16 माइनस का और प्लस 2k, और बचे क्या एक्स बाहर, है ना, यहाँ भी एक्स था 2k एक्स के पास, यहाँ भी 16 के पास एक्स था, तो मैंने एक्स कॉमन ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये 8k है क्या, है पहले बताओ मेरे को, कॉन्स्टेंट क्या है, कॉन्स्टेंट है ना, अरे बोलो, अबे कॉन्स्टेंट है ना, के भी कॉन्स्टेंट है, 8 भी कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉन्स्टेंट ही आएगा, ठीक है। तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, ये भी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, कॉन्स्टेंट का स्क्वायर कॉन्स्टेंट, वो अलग बात है कि वैल्यू हमें पता नहीं है। तो हमारे पास आ गया प्लस 8k माइनस k स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ चुका है। सेम के नीचे क्या लिख देंगे, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखो, ये इसके नीचे आएगा एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है हमारे पास 8 माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर के एक्स के नीचे एक्स, ये एक्स है, इसके नीचे ये एक्स आएगा, तो ये क्या हमारे पास प्लस माइनस 16 प्लस 2 के का एक्स का एक्स। अब ये दोनों कॉन्स्टेंट है, तो ये 10 भी कॉन्स्टेंट है, 10 के नीचे 10 ये कॉन्स्टेंट आ जाएगा, क्योंकि 10 भी कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट के नीचे कॉन्स्टेंट, ये प्लस 8k माइनस के स्क्वायर, ठीक है, अभी दिक्कत। अब क्या करते हैं हम, साइन चेंज, क्या करते हैं साइन चेंज, तो यहाँ देखो मन की क्या है, प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, है कोई दिक्कत नहीं। अब जो कट रहा है उसको काट दो, ठीक है। तो देखो माइनस प्लस माइनस सेम है, 8 माइनस की 8 माइनस के, तो ये कट जाएगा, ठीक तो कट गया। अच्छा भाई इसको देखते ना, इसको रब, इसको आप नोट कर लो, इसको रब करके मैं वो कैलकुलेशन यहां कर रहा हूं, इधर देखो ये क्या है माइनस 25 क्या है, पहले तो खोल लो पूरे को, क्या करते हैं खोल लेते हैं, ये हमारे पास माइनस 25 अंदर एक्स को क्या करो मल्टीप्लाई, क्या करो मल्टीप्लाई, तो ये जगह माइनस 25 एक्स और जगह प्लस 4 के एक्स, ये होगा ना एक्स को मल्टीप्लाई करते, ठीक है। अच्छा बाहर क्या है माइनस, तो अंदर क्या होगा साइन चेंज, अरे बाहर माइनस है ना, तो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा साइन चेंज, तो जगह प्लस का 16, ठीक है, और वो एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करते तो होगा प्लस 16 एक्स, समझ गए, प्लस 16 एक्स। तो देखो आप क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस और 2k और ये x है तो x यहाँ आ जाएगा। देखो मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल करा है, मैंने कुछ नहीं किया भाई, माइनस 25x उस अंदर x को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करा मैंने साइन चेंज, ये माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और x था x को भी यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोबारा से, ठीक है, कर दिया। अब देखो जो कट रहा है वो काट दो, कट तो भाई कुछ नहीं, बस सोल्व ही होगा, ये माइनस का 25x और प्लस का 16x क्या हो जाएगा बोलो, अरे बोलो नो, क्या हो जाएगा माइनस का 9x, क्योंकि ये क्या है माइनस है ना, 25 का बड़ा है तो माइनस का 9x, ठीक है, प्लस का 4kx और माइनस का 2kx, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 2kx, है ना, प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 2 2 और k ऐसे कैसे, k भी x का सॉरी x k ऐसे कैसे और x भी x का, ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 2 2 के ऐसे कैसे और एक्स भी ऐसे का ऐसे, तो आएगा हमारे पास 9x प्लस 2 के। अब क्या करेगा मैं एक्स कॉमन, क्या लेंगे कॉमन, तो यहां से अगर मैं एक्स कॉमन लूं, यहां भी हट जाएगा एक्स, यहां से भी हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये एक्स बाहर, समझ गए, बाहर लिख लिया कॉमन लेके, तो हमारा क्या बन चुका है ये, यहां लिखते हैं हम, यहां लिख देते हैं जल्दी जल्दी, ये बन चुका है प्लस माइनस 9, प्लस लिखे हैं ना बाहर ब्रैकेट के, बोला है मैंने, हाँ प्लस लिखेंगे बाहर ब्रैकेट के, ये है माइनस 9 प्लस 2k x साइड में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो अब इसकी बारी आती है, देखो अब क्या है माइनस 8k, इसमें भी प्लस कर सकते हैं, नहीं नहीं माइनस कर सकते, क्योंकि मान के होना चाहिए उसके लिए, जैसे यहाँ क्या था, यहाँ भी के यहाँ भी के, तो 4 और 2 को माइनस करा तो 2 आया, इसलिए कर लिया, क्योंकि वहां k था, यहाँ तो नहीं है ना भाई, पर k तो है नहीं, ना ही के स्क्वायर है, तो ये तो एज इट इज क्या जाएगा, एज इट इज आ जाएगा मेरे पास माइनस 8k माइनस k स्क्वायर, है ना, माइनस 8k प्लस का k स्क्वायर, प्लस का k स्क्वायर और प्लस 10, है कोई दिक्कत, अरे बोलो है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो हम यहाँ डिवाइड रोक देंगे, हम यहाँ डिवाइड रोक देंगे, अब तुम बोलोगे कि भैया यहाँ 0 का डिवाइड,
है ना, यहाँ भी रोक दिया, हमें कैसे पता लगेगा कहाँ रोकना है। देखो भाई कैसे रोकते हैं डिवाइड, अगर रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से छोटी आ गई तो हम वहां डिवाइड रोक देते हैं। कैसे, यहाँ डिग्री क्या है रिमाइंडर की, रिमाइंडर है ना डिग्री, डिग्री होती क्या बेटा, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल के अंदर जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम बोलते हैं डिग्री। तो देखो यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स की पावर वन, यहाँ देखो यहाँ तो कोई एक्स है ही नहीं, तो यहाँ एक ही एक्स है और यहाँ एक्स की पावर वन, वन है ना, देखो वन क्या है, देखो यहाँ क्या है पावर वन, तो इसकी पावर वन होती है और यहाँ क्या है पावर वन, और यहाँ जो कॉन्स्टेंट होता है मैंने बताया है कि कॉन्स्टेंट के साथ हमेशा एक्स की पावर क्या होती है, जीरो, मतलब वेरिएबल होता है हमेशा उसके साथ उसकी पावर होती है जीरो, तो एक्स की पावर जीरो तो वन होता है, ठीक है, तो हम लिखते नहीं है। तो वैसे ही अगर आप ऐसे भी देखें तो खाली एक्स है उसकी पावर क्या है वन, तो हाईएस्ट पावर तो वन ही हुई, ठीक है, और डिग्री क्या हो गई वन, ठीक है, तो हाईएस्ट पावर वन है तो डिग्री भी वन होती है, ठीक है। तो यहाँ हाईएस्ट, यहाँ क्या हाईएस्ट पावर डिविजन में, यहाँ देखो यहाँ क्या होता है कॉन्स्टेंट के पास एक्स की पावर जीरो है ना, वो तो जीरो है, इसकी एक्स की पावर वन है, इसकी है टू, तो हाईएस्ट पावर टू है तो डिग्री क्या हो गई टू, तो इसकी डिग्री क्या हो गई डिवाइजर की टू और इसकी हो गई वन, ठीक है, तो बड़ी कौन है डिवाइजर की, तो ये छोटी आ गई, तो हम यहाँ डिवाइड रोक देते हैं, समझ गए, समझ गए। तो मैं डिवाइड रोक देगा, रिमाइंडर आ चुका है और मैंने बोला था कि हम इसकी बात पे यकीन नहीं करेंगे, हम इसको इसे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, उस रिमाइंडर को इस रिमाइंडर से क्या करेंगे कंपेयर, क्या करेंगे कंपेयर। तो आप क्या करो, आप ये पॉज करके नोट कर लो, अब मैं रब करने वाला हूँ और हम इस रिमाइंडर को इस रिमाइंडर से कंपेयर करने वाले हैं, या फिर ये करते हैं है ना, ये करते हैं, हो जाएगा हो जाएगा। इधर देखो, इधर देखो, देखो कंपेयर कैसे करेंगे, देखो ये, देखो ये और ये, ठीक है, देखो यहाँ x का कोफिशिएंट कौन है ये बताओ, कोफिशिएंट होता क्या है, कोफिशिएंट होता है जो वेरिएबल के साथ उसके आगे मल्टीप्लाई हो रहा है वही हमारा कोफिशिएंट होता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ x का कोफिशिएंट कौन है बोलो, कौन है, देखो यहाँ x का कोफिशिएंट है हमारे पास 9 - 9 + 2k है ना, यही तो है, अभी यही तो मल्टीप्लाई हो रहा है x का, तो यहाँ कोफिशिएंट कौन है -9 + 2k, और यहाँ x का कोफिशिएंट कौन है बोलो, वन, कौन है वन। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ द रिमाइंडर लिख लेते ना, ऑन कंपेयरिंग बोथ द रिमाइंडर, ठीक है, तो यहां एक्स का कोफिशिएंट कौन है -9 + 2k, समझ आएगी, समझ आएगी, और यहां का कौन है एक्स का कोफिशिएंट बोलो वन, मन क्या कुछ बोलो वन, तो ये है -9 + 2k को मैं 1 के इक्वल लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता हूँ बोलो यार, हम कंपेयर कर रहे हैं ना, तो कंपेयर में बराबर तो करते हैं उनको, तो कैसे, यहाँ x का कोएफिशिएंट कौन है -9 + 2k और यहाँ कौन है x का कोएफिशिएंट 1, तो बराबर कर रहे हैं इनको क्या, ठीक है, ठीक है। यहाँ कॉन्स्टेंट कौन है, कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट कौन है, ये -8k + k² + 10, देखो 10 तक कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, सिंपल से होता है काउंटिंग, अभी काउंटिंग हमारी कॉन्स्टेंट होती है, ठीक है। अब k स्क्वायर कैसे कांस्टेंट है, मैं कैसे मान लूं, मैंने बोला था ना k हमारा कांस्टेंट है, तो k का स्क्वायर करें तो कांस्टेंट तो आएगा, अब एक कांस्टेंट का स्क्वायर करो तो कांस्टेंट तो होगा, जैसे एग्जांपल लो 2, अब 2 को मैं स्क्वायर करूं तो 2 क्या है कांस्टेंट, और 2 का स्क्वायर करने के बाद 4 आएगा, तो 2 का स्क्वायर तो कांस्टेंट हुआ 4, समझ गए, तो कांस्टेंट का स्क्वायर अगर करोगे तो वो भी कांस्टेंट ही आएगा, तो ठीक है 10 भी कांस्टेंट है, k स्क्वायर भी कांस्टेंट है। अब ये 8k की बात करते हैं, अगर मैं एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराऊं तो वो भी तो कांस्टेंट ही देगा, अबे 8 भी कांस्टेंट है k भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, तो ये तीनों क्या है हमारे पास कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट, ठीक है। और यहां इस रिमाइंडर में कांस्टेंट कौन है, a, कौन है a, कौन है a, वेरिएबल तो है कांस्टेंट ही है, तो देखो सिंपल सी बात है, तो ये -8k + k² + 10 = a, क्या a, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट कौन है बोलो, अरे बोलो a, समझ आ गई ना, ये बात क्लियर होनी चाहिए, पहले हम इसके रिमाइंडर डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, उस रिमाइंडर को इस रिमाइंडर से कंपेयर करना है, सिंपल सी बात है, इस x कोएफिशिएंट को उसके x कोएफिशिएंट से इक्वल कंपेयर मतलब बराबर, और ये जो कांस्टेंट है इसके कांस्टेंट के बराबर, ये कांस्टेंट पूरा है और यहाँ कांस्टेंट होना है a, तो कर दिया बराबर। चलो पहले यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल देते हैं, यहाँ से निकल जाएगी सिंपल a 2k वहां जाके 1, ये माइनस का 9 वहां जाके प्लस का 9, तो ये 2k = 2 हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा बोलो 9 + 1 = 10, तो ये 2 मल्टीप्लाई वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 10/2 क्या हो जाएगा k की वैल्यू 5, अबे 5 आएगी ना, 5 × 2 = 10, तो k की वैल्यू क्या आएगी 5, क्या गई 5, है कोई दिक्कत नहीं, के आ चुकी है कि यहाँ पुट कर दो तो वहां से हमारी a की आ जाएगी, देखो
अगर के की 5 है तो यहाँ पुट करता हूँ, इधर देखो माइनस 8 5 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 8। तो देखो ये 5 एट जा माइनस 40, 5 एट जा माइनस 40 है भाई, यहाँ माइनस है ना, ठीक है। और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का होता है, 25 ये 5 का स्क्वायर है ना, कभी समझ आए तुम्हारे, ठीक है, 5 का स्क्वायर और वो है 10 और ये है 8। तो देखो माइनस 40 प्लस 10 माइनस 30 ना, माइनस 40 प्लस 10 माइनस 30 और प्लस 25 इक्वल टू 8 और माइनस प्लस माइनस 30 माइनस 25 माइनस का 5 माइनस का 5, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आ चुकी है, माइनस का 5, समझ गए। अरे बोलो, तो के की और ए की वैल्यू हमने निकाल ली है, समझ गए, समझ गए ना। हाँ देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, उसमें इसको डिवाइड कर रिमाइंडर आया तो के और ए की वैल्यू निकालनी थी, कुछ नहीं करना था, डिवाइड करके देखते हम क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ गया। अब इस रिमाइंडर को इस रिमाइंडर से कंपेयर क्या करना है, कंपेयर इसके एक्स कोएफिशिएंट को इसके एक्स कोएफिशिएंट के बराबर कर दिया, ये कॉन्स्टेंट ये कॉन्स्टेंट को बराबर कर दिया, वहां से के की वैल्यू निकाली और यहाँ पुट कर दी, तो यहाँ से ए की आ गई है, ठीक है। तो आप ये पॉज करके नोट कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूं आपको ये समझ आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू देन, टाटा बाय बाय। और सब क्या है, हाँ सब क्या है, खो गया, ठीक है, सब क्या है।